हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली रुचि। मैं हूं आपकी दोस्त रुचि, लेकर हाजिर हूं अपना नया वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं करने जा रही हूं ओलिविया की मेकअप स्टिक की अनबॉक्सिंग, देन इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी एंड लाइव डेमो आपको इसका दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने इस मेकअप स्टिक के बारे में काफ़ी लोगों से सुन रखा है कि बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी कवरेज देती है। सो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करूँ एंड आप लोगों के साथ इसका डेमो शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे आज ही परचेज़ किया है एंड फ्रेंड्स, इसका जो MRP है वो है 120 रुपीज़ एंड ये मैंने लिया है, शेड है इसका 04, जो कि है नेचुरल रोज़ शेड में। फ्रेंड्स, मुझे इसका एक टोन डार्कर चाहिए था बट मुझे यही अवेलेबल मिला तो मैंने यही ले लिया। तो चलिए इसे अब आप अपने फेस पे मैं इसे आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे फेस में भी कोई मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ अपने फेस को वॉश किया है एंड मैं अपनी बिंदी हटा दूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप पहले या तो प्राइमर लगा लें या मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं अपने फेस पे। जैसे मेरी भी ड्राई स्किन है तो मैं पहले अपने फेस पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने पहले अच्छे से अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया है एंड मैं इसे अप्लाई करूंगी। फ्रेंड्स, ये इस तरह से स्टिक के फॉर्म में आता है, ये देखिए, एंड यहाँ पर एक रोलर बना हुआ है जिससे हम इसे जिससे ये आगे आ जाता है। एंड फ्रेंड्स, मैं पहले इसे धीरे धीरे अपनी अंडर आई एरिया में धीरे धीरे अप्लाई करूंगी। मैं इसे ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ बिकॉज पता नहीं ये कैसा होगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर। ये देखिए, मैं इसे हल्का सा ही लगा रही हूँ, पिंपल को हाइड करने की कोशिश की मैंने एंड अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी। फ्रेंड्स, ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पॉन्ज यूज कर रही हूँ। मैं इसे पहले हल्का सा गीला कर लूँगी पानी में एंड इसे इस तरह से मैंने इसे निचोड़ लिया है एंड मैं अब इससे अपने फेस को ब्लेंड करूँगी, इस स्टिक को ब्लेंड करूँगी जो मैंने लगाया अभी। ये देखिए, जब भी आप फेस पर कुछ लगाएं तो एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि अपना जो नेक एरिया है वहाँ पर भी हम जो सेम प्रोडक्ट है उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा फेयर लगता है एंड जो नेक एंड ईयर एरिया है वो डार्क लगता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अपने गले पर भी इसे लगा लिया है एंड मैं यहाँ पर भी इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा मैं अपने कान में भी लगा लूँगी, दोनों ईयर्स में, ताकि मेरी जो स्किन है वो हर जगह इवन टोन लगे। ये देखिए इस तरह से, एंड अपने फेस एरिया को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पर, मेरे फेस पर ये जो स्टिक है, मेकअप स्टिक, ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स, मुझे तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्मूथ लग रही है एंड मुझे अपने फेस में काफ़ी ग्लो नज़र आ रहा है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना फेस, क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है या बहुत ज़्यादा पैचीनेस भी नहीं लग रही है। एंड मुझे ये शेड भी मेरे स्किन की अकॉर्डिंग ये काफ़ी ठीक लग रहा है
एंड ओवरऑल फ्रेंड्स, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है एंड आई होप आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने इसे लगा लिया है एंड इसका जब भी हम कोई कंसीलर या फाउंडेशन अपने फेस पे लगाते हैं तो उसे सेट करने के लिए हमें लूज़ पाउडर का यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैट लूज़ सेटिंग पाउडर, जो कि मैंने मिनीसो से परचेस किया था। ये बहुत अच्छा लूज़ पाउडर होता है, तो मैं अब इसे लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी। आप चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे लूज़ पाउडर से एक अपने फेस पर एक एप्लीकेशन दे दूंगी, कोटिंग कर दूंगी। देखिए, अब मेरा जो मेकअप है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है एंड अब मैं बिंदी लगा लूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मेरा जो मेकअप है, जो मैंने ये मेकअप स्टिक यूज़ की है, उससे मेरे फेस पर मेरा फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आप इसे डेली यूज़ में एंड डेली रूटीन लाइफ में, एवरीडे के मेकअप में इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं एंड ये बहुत अच्छा है एंड मुझे भी लगाकर महसूस हो रहा है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है एंड मुझे तो ये बहुत पसंद आया एंड आई होप आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। सो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आए। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। टिल देन, कीप वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय।